ओके तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज आज हमारे लेक्चर का इंटेंशन क्या है पहले समझो, आज हमको क्या सीखना है। मैंने कल आपको जो लिखा के दिया था, क्या लिखाया था मैंने आपको, लिखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है, ठीक है। तो आज हमारा इंटेंशन रहेगा कि वो यूजेस को वन बाय वन हम लोग समझे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फिर उसको खत्म करें, फिर नेक्स्ट यूजेस समझे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। हम लोग पहले यूजेस समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको फिर एंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको तीन यूजेस बताया था, डायमेंशनल एनालिसिस के तीन यूजेस होते हैं। मुझको जरा बताइए क्या क्या यूजेस होते हैं। यूजेस टू फाइंड द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, हाँ, एंड सेकंड वन इज टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, हाँ, थर्ड वन इज मैं बताता हूँ सबसे पहला ऑफ एनी क्वांटिटी, टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी। तीन यूजेस है, सबसे पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन हमारा एक करेक्ट है, जो भी लिखा हुआ है ये मेरा इक्वेशन क्या करेक्ट है, वो चेक करने के लिए सबसे पहला यूज। सेकेंड यूज उसका है कि कन्वर्जन फैक्टर, मीटर का सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते तो एक फैक्टर लगाते, 10^-2, इस तरह का एक फैक्टर लगा, तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड करेंगे। थर्ड, कि जैसे न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो फॉर्मूला उसने बनाया कैसे, है ना, उस तरह का उसने क्या किया होगा, ये भी डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग फाइंड करते। तो आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इक्वेशन लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, क्या ये इक्वेशन आपने कभी लाइफ में देखा है, यस और नो? यस सर। यस, इसके पहले मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, ये इक्वेशन, लेकिन इसका सबूत क्या है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, क्या सबूत है इसका इक्वेशन करेक्ट है ना, बताओ कैसे इक्वेशन ये करेक्ट हुआ, क्या सबूत है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। ये सबूत हमको देगा डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये सबूत देने वाला है। किस तरह से समझो, अगर मुझको कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है तो एक कुछ स्टेप लिख के देता हूं, वो स्टेप फॉलो करेंगे, हमको इक्वेशन करेक्ट है या नहीं मिल जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, ये इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, ये बताओ सबसे पहले। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, कौन सा है, MGH, MGH, कॉमन सेंस, राइट। राइट साइड में जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन जो कि कॉमन सेंस ही है, और लिखा देते हैं हम लोग स्टेप में। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS का डायमेंशन फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ RHS, उसके बाद फिर हम RHS का डायमेंशन फाइंड करेंगे। इफ LHS इक्वल्स टू RHS आता है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन बात कर रहा हूं मैं, आता है, देन द इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब कितना, मतलब क्या, एक तो कॉमन सेंस ही है, पर लिख के रख लो, ठीक है, लिख कर रख लो, एक दो तीन, तीन स्टेप में हम लोग करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। ओके, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ये इक्वेशन सही है या नहीं, करेक्ट है या रॉन्ग, नहीं ये करेक्ट है ना, ये चेक करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। ओके, मैं इसको रब करता हूं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हम लोग करेक्टनेस
करेक्टनेस चेक करेंगे, लिखते हैं करेक्टनेस चेकिंग, ठीक है, करेक्टनेस चेकिंग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS, LHS बताओ इसमें से LHS क्या है, व्हाट इज द LHS? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे, बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी, एक तरह की एनर्जी होती है राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, किसी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनी काइंड ऑफ एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी, सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, मतलब काम करने की क्षमता, मतलब एनर्जी। कोई ज्यादा काम कर सकता है इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है, कोई कम काम कर सकता है इसका मतलब उसमें कम एनर्जी है राइट। अब व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, पन्ने पलटाओ लिखाऊंगा तो देखो, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मैंने इसको फोर्स लगाया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया मतलब मैंने काम किया, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, मैंने जो फोर्स लगाया वो, उसके बाद फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है ना। वर्क हमको पता है, वर्क क्या होता है, हमको अभी एनर्जी क्या पता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, मतलब एक एनर्जी भी एक तरह का वर्क ही है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। अभी मुझको बताओ व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या है ना, वर्क का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। वर्क का डायमेंशन अगर नहीं पता तो हमको निकालते आना चाहिए, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन बताइए जरा, फोर्स का सबको पता है, n1 l1 t minus 2 n1 l1 t minus 2, हाँ, ये क्या, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, बताइए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, l1 t minus 2। बेटा वो एक्सेलरेशन है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे, समझ नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन बता रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सिर्फ l होता है, l1, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, m1 l2 t minus 2। ये मेरा वर्क का है, और जो डायमेंशन वर्क का होता है सेम डायमेंशन एनर्जी का होता है, याद रखना, कोई भी एनर्जी रहना दो, पोटेंशियल एनर्जी रहना दो, काइनेटिक एनर्जी रहना दो, या फिर कोई भी एनर्जी रहने दो, उसका डायमेंशन आपको किसी ने पूछा तो डायरेक्ट वर्क का डायमेंशन याद करना। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो देयरफॉर ये वाली एनर्जी का डायमेंशन क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन विल बी इक्वल टू वर्क का डायमेंशन, M1 L2 T minus 2, ये हमको याद है, हमने LHS फाइंड कर लिया। अब हम लोग RHS देखते हैं, RHS देखो, RHS क्या है, M G H, ठीक है, बताइए जरा ये M क्या होता है, ये फॉर्मूले में M का क्या मतलब होगा, मास, M का मतलब होता है मास, G का क्या मतलब होता है बताइए जरा, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो हमको एक्सेलरेशन मिलता है ना, ये वो है। इसमें से एच क्या होगा बताइए जरा, हाइट, हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी सबके डायमेंशन लिखेंगे, ये क्या है, मास, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम ओनली, ठीक है, ओके मैंने लिख दिया। अच्छा जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, t माइनस टू, ये है मेरा हाइट, हाइट मतलब एक तरह की लेंथ, बताइए हाइट का डायमेंशन क्या होगा, एल वन, करे इसको कंबाइन करे, देखिए क्या आंसर आता है, एम वन जैसा क्या वैसा, एल टू, ठीक है, और t माइनस टू, ये है मेरा RHS। देखिए जरा क्या मेरा LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि यस और नो, यस, इट मीन्स ये वाला इक्वेशन करेक्ट है, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट होगा
इसका मतलब उसके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए बोथ साइड ऑफ द ये वाला चीज है ना, इक्वल टू के बोथ साइड के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए तो मेरा डायमेंशन सही होगा। ठीक है, ये मेरा डायमेंशन सही आया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, बस मुझे वो देखकर बता दीजिए कि वो डायमेंशन उसका सही है या नहीं। ठीक है, ओके। चलो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, U plus 80 नहीं लिखता, यू दूसरा लिखता हूं, एक मिनट। हाँ चलो बताओ जरा, ये इक्वेशन क्या मेरा सही है? क्या ये इक्वेशन मेरा सही है? इसके अंदर v मेरा वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और t मेरा टाइम। देखिए जरा, क्या मेरा LHS का डायमेंशन इक्वल टू RHS का डायमेंशन होगा? यस सर। करेक्ट है, करेक्ट है, यस यस सर। देखिए बाकी के लोग देखिए, देखिए LHS लिखिए है ना, LHS में क्या लिखा है? ठीक है, थोड़ी ज्यादा छोड़ देंगे, लिखेंगे RHS में क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसके डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन हमको याद है, बताइए क्या होता है वेलोसिटी का डायमेंशन? L1t minus 1। हाँ, हे आपल्याला पाठांतर करायचं आहे। ओके, बताओ जरा एक्सेलरेशन का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए। L1t minus 2। टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आंसर क्या था देखो, L1t minus 1। है ना, यहाँ पर therefore we can say LHS is equals to RHS, therefore equation is correct, ये equation मेरा correct है ना। चलिए और एक देता हूँ मैं आपको equation, बताइए जरा screenshot, short okay. Short it, ठीक है, बताइए जरा फिर, kinetic energy is equals to half mv square। देखो जरा ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन, डायमेंशन के हिसाब से दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं। आइए यहाँ देखो। चलो काइनेटिक एनर्जी ये एक एनर्जी है, जब भी दिमाग में एनर्जी आएगा तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर है ना, एनर्जी का यूनिट भी वर्क यूनिट के बराबर होता है। बताइए जरा वर्क, इससे पहले हमने निकाला था ना वर्क का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T minus 1। वर्क का डायमेंशन, चलो फिर यहाँ पे देखते वन बाय वन, यहाँ पर एम क्या होता है? वट इज एम? मास। यहाँ पर v क्या होता है? v मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, बारी बारी से लिखेंगे। अच्छा ये 1/2 है, 1/2 एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन क्या होता है? 1। डायमेंशन लिख देंगे 1। ठीक है, मास, मास का डायमेंशन लिख देंगे कैपिटल M, राइट? 1 m1। ठीक है, वेलोसिटी ये मेरा बक्सा बन गया, डब्बा बन गया, उसके ऊपर स्क्वायर बना दिया। हाँ बताइए जरा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे, m1 ठीक है इनटू ये देखो ये स्क्वायर है ना, ये नीचे आ जाएंगे, हो जाएंगे l2, ये हो जाएंगे t minus 2। फाइनल आंसर देखिए m1 l2 t minus 2। देखिए जरा क्या मेरा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, यस और नो? यस। Here, LHS is equals to RHS. Therefore, equation is correct. चलिए स्क्रीनशॉट। शॉट लगा।
हो गया। देखिए जरा इसका फाइंड करो, मैच होता क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको पता है इक्वेशन करेक्ट है, पर आप जरा डायमेंशनल एनालिसिस से देखो, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है, ठीक है। ओके चलो फिर ये सॉल्व करके बताओ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस का वन ऑफ द, ये है चार पांच इक्वेशन है उसमें से वन ऑफ द इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन, जरा चेक करके बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं। सही है, हाँ सही है, तो सही बोलेगी क्या, सही है, सबको पता है सही है, हम लोग अभी चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है। बताइए मुझको RHS क्या है इसमें, ये इक्वेशन में RHS क्या है, U प्लस AT, ठीक है। अब हम लोग RHS का वन बाय वन डायमेंशन फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग U का डायमेंशन, यहाँ पे U क्या होता है, व्हाट इज U, वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना हमेशा, U काइनेमेटिकल इक्वेशन में जहां भी U दिखता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, जहां भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में v दिखेगा उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, जहां भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में t दिखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, t की जगह क्या बोलेंगे, क्या होता है, टाइम, टाइम, v, u, u की जगह देखो क्या लिखेंगे अभी हम लोग, u का डायमेंशन क्या होता है, u मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन प्लस, अब इसका देखो ये है मेरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन 1t माइनस 2 इनटू, यहाँ पे t है टाइम का डायमेंशन, L1t माइनस 2 करेक्ट, तो इसको सॉल्व करेंगे L1t माइनस 2 ये जैसे के वैसे प्लस ये जो है L1t माइनस 1 है ना। अब यहां देखो हमेशा याद रखना, दो क्वांटिटी जब ऐड होती है इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम आने को ना, और देखो ये क्वांटिटी दोनों भी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम आया ना, ये क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब U का डायमेंशन और एक AT का डायमेंशन सेम आया, मतलब U प्लस AT जो मैंने किया है वो राइट, सबसे पहले ही समझ में आया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, L1T माइनस 1, ठीक है। अभी हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, सॉरी ये LHS सॉल्व करेंगे, LHS हाँ, V व्हाट इज V, व्हाट इज V, L1 माइनस 1 फाइनल वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन होता है L1 माइनस 1। यहां पर देखो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, कैसे देखो LHS में क्या लिखा है, L1 माइनस 1 राइट इक्वल्स टू RHS में क्या लिखा है, अब इसका डायमेंशन मतलब पूरे RHS का डायमेंशन बन गया L1 माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ये समझ में आया क्या, मुझको लगता है यहाँ पर आपको डाउट आ सकता है, जिसको डाउट आ रहा है RHS हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L1 T माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या डाउट आएगा, सर ये इसको ऐड कर दो ना सर, 2 बना दो ना, कोई जरूरत नहीं है 2 क्यों बनाना, क्योंकि वो डायमेंशन है सर, हम लोग सिर्फ डायमेंशन चेक कर रहे हैं, है ना। हमने क्या चेक किया, कोई भी इक्वेशन लिखा है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू m, ठीक है, तो मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ, ये सारे जो टर्म है 1, 2, 3 इन सब का जो डायमेंशन होता है सेम आना चाहिए पहली बात, और जो डायमेंशन इन सब का आया है फॉर एग्जांपल कुछ भी L1 T माइनस 1 वो इस डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, करेक्ट। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अरे लक्ष्य स्क्रीनशॉट बनाइए फिर से और के आता परत अपन एक काइनेमेटिकल इक्वेशन घेऊ चेक करू बघा। अरे आप में से ऐसा कोई है जिसको मराठी में थोड़ा दिक्कत है मेरे जैसा, मराठी बोलो चालेल का, नहीं ना, नहीं, हिंदी हिंदी ना, हाँ हाँ हाँ
समझ गया v is equals to u square, v is equals v square is equals to u square plus 2as. आइए भाइयों बहनों इसको पता करके बताओ. सबसे पहले मुझको बताओ LHS क्या है मेरा. LHS क्या है? V square. हाँ, what is v? L2t minus 2. इसे डायरेक्ट बता दिया. फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट स्क्वायर लगाएं. हाँ हाँ, वेरी गुड. वेलोसिटी की जगह पर हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे L1t minus 1, ठीक है. इसका स्क्वायर आंसर विल बी L2t minus 2, ठीक है. अगर मेरा इक्वेशन ये सही होगा तो यहाँ पर भी L2t minus 2 आने को ना, और यहाँ पर भी L2t minus 2 आंसर आना चाहिए. समझ में आ रहा है? अगर मेरा इक्वेशन सही होगा तो यहाँ पर भी L2t minus 2 आने को ना, यहाँ पर भी L2t minus 2 आने को. चेक करते RHS U square plus 2as. ओके चलो यहाँ पर देखो u square ये भी एक वेलोसिटी है, तो हम लोग इसका डायमेंशन लिखते हैं L1t minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का डायमेंशन तो 1 होता है, कोई डायमेंशन नहीं. a मतलब L1t minus 2, करेक्ट, इनटू s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको लग देंगे. इसको सॉल्व करो, देखो L2t minus 2 आ रहा है प्लस इसका आंसर क्या रहा है L2t minus 2. देखो ना, यहाँ पर भी L2t minus 2 आया, करेक्ट, यहाँ पर भी L2t minus 2 आया. इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ LHS equals to RHS. Yes, sir. है ना, सब पूरे टर्म जितने भी टर्म है सब टर्म के डायमेंशन सेम है. इसका ये टर्म का भी डायमेंशन वही है, ये टर्म का डायमेंशन भी वही है, ये भी ये वाले टर्म का भी डायमेंशन सेम है. इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन मेरा करेक्ट है, ये इक्वेशन मेरा करेक्ट है, ठीक है. चलो स्क्रीनशॉट बना लो. अब सुनिए अपन ने ये सारी चीजें सीखे ना, ये अपने अपने काम में कैसे आए. अभी अपन इसको काम में देखेंगे, अपने काम में कैसे आने वाले, ये सीख लिए. दो पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूँ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स मतलब आपकी जो 11th की एग्जाम होगी, तो उसके अंदर ऐसा थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. इसके लिए अपन क्या करेंगे, RHS निकालेंगे, LHS निकालेंगे, उसको इक्वेट करके बताएंगे, मतलब अपना अच्छे से लिखना, इस तरह से प्यार सुंदर तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड्स में करेंगे. लेकिन अपने एंट्रेंस में ये चीज काम में कैसे आएंगे, एंट्रेंस में ये चीज काम में कैसे आएंगे, ये चीज ना, ये चीज जो अपन ने सीखी है, ये अपने को तुक्के मारने में बहुत हेल्प करेंगे, तुक्के मारने में या फिर ऑप्शन टिक करने में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज अपने को ऑप्शन टिक करने में बहुत हेल्प करेगा. बताता हूँ कैसे. सबसे पहले ये बताओ तुक्का मारना सही है या नहीं है, क्या तुक्का मारना सही बात है? सही है, बहुत सही है सर. कभी कभी सही होता सर, बहुत सही है सर. अच्छा समझो तू अभी नीट का एग्जाम दे रही है, तो तुक्का मारेगी? यस और नो? नेगेटिव मार्किंग होती है, जो नहीं आता उसमें तुक्का मारना नहीं. वैसा नहीं, तुक्का भी अपने को मारना है. तुक्का कैसा मारेंगे, अगर अपन उसके ऑप्शन, फॉर एग्जांपल चार ऑप्शन है मेरे पास, बात सुनो मेरी, तुक्का कौन से प्रॉब्लम में मारना है, ABCD, समझो ABCD ऐसे चार ऑप्शन लिखे हुए हैं. अगर मुझको चार ऑप्शन में से ऐसा लगता है कि भाई ऑप्शन ए तो पक्का नहीं है, ऑप्शन ए तो पक्का नहीं है, फिर मैं तुक्का मारने के लिए सोच सकता हूँ. हाँ, मेरे पास तीन ऑप्शन है ना, तीन में से एक तुक्का मारूंगा मैं, समझ रहे हो. अगर अपने को पता है कि दो ऑप्शन नहीं है ए और बी, तो 100% तुक्का मारो, मम्मी पापा का नाम लो या फिर किसी और का नाम लो, तुक्का मारो कोई भी, ठीक है. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, तुक्का मारना अगर जरूरी है तो अपने को ऑप्शन इलिमिनेट करते आना चाहिए, ऑप्शन को इलिमिनेट करते आना चाहिए, ठीक है. और ऑप्शन इलिमिनेशन में डायमेंशनल एनालिसिस अपने को हेल्प करेगा ऑप्शन को इलिमिनेट करने में, ठीक है. देखो किस तरह से. और कभी कभी अपने क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अपने क्या होता है, प्रॉब्लम देते हैं, अपने कुछ समझ में नहीं आता प्रॉब्लम, लेकिन अपन उसका जो सॉल्यूशन जो आकर है उसका डायमेंशन निकाल के देखेंगे ना, अरे मतलब मैच हो जाता है, मतलब इक्वेशन ये तो सही है, ये आंसर हो सकता है, ऐसा कुछ. मैं आपको कराऊंगा तो समझ में आना. देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट बनाया क्या? यस. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट is the equation for time period of
सिंपल पेंडुलम पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा है, ऑप्शन देकर है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π × g/L, ठीक है, ऑप्शन बी देकर टाइम पीरियड 2π × L × g, ठीक है, ऑप्शन सी देकर t इज इक्वल टू 2π√L/g, ऑप्शन डी देकर है t इज इक्वल टू 2π√G/L, ठीक है। चलो ये इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देकर है, ठीक है, बताओ जरा इसमें से कौन सा टिक करोगे आप लोग? ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन ऑप्शन तुक्का मारो, चलो तुक्का मारो, कौन सा टिक करेंगे बताओ, किसका तुक्का सेल? हाँ बी बी आया, हाँ और बताइए तुक्का मारी, हाँ बी बी ना बी, चलो बी आया, और बताइए क्या क्या सी सर सी सनी का आपका बी मैंने टिक कर दिया, बाकी के बताओ, ए वाले बताओ, ए वाले सी 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 सी, चलो सी पर एक आंसर, ठीक है, अच्छा और बताइए सर बी बी बी, और एक एक दिया, हमारा बी आ चुका है, ठीक है। चैतन्य चैतन्य सी, वेरी गुड, भूमिका बी, चैतन्य का सी है, भूमिका का बी, बी 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 बी, हाँ और एक एक बी, और एक एक बी, और एक एक बी आ रहा किसी का, ये मेरी तरफ से, राइट। तो इतने सारे बी ऑप्शन आए हैं, तो अभी अपन तो कम आ रहे, राइट। अगर अगर मैं आपको बोलू ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी गलत है, अब कौन सा तुक्का मारेंगे बी और सी में से? ऑप्शन बी मारेंगे, है ना, मतलब अपने पास 50-50% चांस है, अरे अरे तुक्के भी गलत हो रहे, ठीक है। आइए, इस तरह का प्रॉब्लम है, अपने को कुछ भी नहीं पता, क्या है सिंपल पेंडुलम क्या होता है मुझको नहीं पता, मला सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला विचारला है, मतलब हिंदी वाले मैंने क्या बोला, मुझको सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं पता, लेकिन मुझको उसका फॉर्मूला पूछा है, अभी इसमें से कौन सा फॉर्मूला आएगा, अपन क्या करेंगे यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, देखो, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस लगा रहा हूं, मतलब क्या, ये फॉर्मूला पूछा है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π√G/L, ये फॉर्मूला पूछा है, इस पर डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, अगर ये इक्वेशन सही आता है, LHS equals to RHS होता है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो, देखो मुझको क्वेश्चन पता नहीं, मुझको ऑप्शन कुछ भी नहीं पता, ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, अब मैं ऑप्शन में आता हूँ ABCD, ठीक है, मुझको ये इक्वेशन लिख के दिख रहा है ना, इसमें से जो भी इक्वेशन करेक्ट होगा वो डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए, इसमें से जो भी इक्वेशन करेक्ट होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट होना चाहिए, तो मैं 1, 2, 3, 4 चारों पर डायमेंशनल एनालिसिस लगाऊंगा, इसमें से जो मेरा ऑप्शन सही आएगा उसको मैं टिक मारूंगा, ठीक है, बारी बारी से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर सी आ रहा है, हाँ बारी बारी से देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी है, टी टी मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है बताइए जरा, टी वन लग गया, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, टी का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन टी, राइट, इक्वल टू 2π का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 2π, 1 लिख दो, ठीक है, क्रॉस, हाँ अंडर रूट डाल देंगे, जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1T minus. ये अपने को याद रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, लेंथ है, करेक्ट, लेंथ आ है, पहला मतलब लेंथ है, तो लेंथ की जगह L लिखेंगे, है ना, लेंथ काट दो, ठीक है, मुझको इक्वेशन क्या मिलता है, 1√T to the power, ठीक है, मेरा आंसर क्या आ रहा है, T minus, है ना, स्क्वायर है ना, ये समझना है, मैंने किसी के लॉज ऑफ इंडाइसेस,
इज इक्वल टू टी इनवर्स, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये इक्वल टू नहीं है. एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा. ठीक है, अब मैं ये वाला ऑप्शन देखता हूँ, ये वाला ऑप्शन जिस पर इतने सारे आपके रिप्लाई आए हैं, देखते हैं आपका नसीब कितना अच्छा है. टी टी यहाँ पे देखो, एल एच एस देखो, टाइम पीरियड टी. ठीक है, टू पाई का क्या डायमेंशन होता है? One. यहाँ पे देखो लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ L. लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L. हाँ, यहाँ पे G लिखा होता है, G. G का डायमेंशन क्या होता है? L1 T minus 2. ऑप्शन इज L2 T minus 2. क्या ये इक्वल है? और इसी के साथ आपकी किस्मत टूट गई, ऑप्शन रॉन्ग हो गया. चलिए इसको चेक कर, इसको चेक कर, आइए. चलो T मतलब T, हाँ, 2 पाई की जगह 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट जैसे थे. लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? एल. जी की जगह, जी की जगह, जी की जगह माइनस, हाँ, इसको इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे इसको, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी टू. अंडर रूट ऑफ टी टू इज नथिंग बट टी. क्या मेरा आंसर मैच हो रहा है? क्या मेरा डायमेंशन मैच हो रहा है? ऑप्शन क्या है? बिना पढ़े, बिना पढ़े अपन ने, अपने को पता ही नहीं सिंपल पेंडुलम क्या है. हे भगवान, अब क्या करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस समझ में आया ध्यान में? ऐसे करेंगे? हाँ, लेकिन मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे को पता है तुम लोग ऐसा करते हो, मेरे को पता है तुम लोग ऐसा करोगे. इसलिए जनरली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, चार ऑप्शन में से अब मैं जो ऑप्शन यहाँ पे डालूंगा इस तरह से अरेंज करूंगा कि ये भी मैच होने को ना, भले मेरा फॉर्मूला रॉन्ग रहेगा, पर मैं इस तरह से इसको अरेंज करूंगा कि इसका भी डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन आना चाहिए. यहाँ पे नहीं आएगा, दोनों का डायमेंशन आना चाहिए. अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये और ये. फिर अपने भगवान का नाम लो, भगवान किसका भी नाम लो, जय माता दी बोल के तुक्का मारो, फिर रब भरोसे. यहाँ पे आप सबका नसीब फूटा था, मैंने आपको दो ऑप्शन दिया था, बी और सी. इतने सारे बच्चों के मार्क्स रॉन्ग हो गए, तो रॉन्ग भी होता है. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया किस तरह तुक्का मारूंगे? यस सर, यस सर. अगर आप दो इलिमिनेट करने में कामयाब हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये और ये इलिमिनेट हो गए, दो है पॉसिबिलिटी, तुक्का मारो, मारो, चलेगा. 50% चांस है ना जीतने का, मारेंगे तुक्का. इस तरह से हम लोग जाएंगे. तो यहां से हम लोगों ने दो चीजें सीखी है, इक्वेशन करेक्ट रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए स्टेट बोर्ड में किस तरह से लिखेंगे LHS equals to RHS करके, और एंट्रेंस में अगर इस तरह के ऑप्शन आता तो इस तरह से तो टिक मारे. समझ में आया? यस और नो? यस सर. ठीक है, आपको अभी देखो अगर कहीं कोई न्यूमेरिकल मिलता है इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ, उसको चेक करके देखना, उसमें टिक मार के देखना, देखिए देखते आपका कितना, आपका तुक्का कितना लगता है या फिर कितना 100% आपका आता है, जो भी है इस तरह से. तो अभी हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, कल हम लोग देखें कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर मतलब समझो, एक 1 meter इज हाउ मच सेंटीमीटर, आपको किसी ने पूछा तो कितना लिखूंगे? 10 to the power 2 लिखेंगे. ठीक है, ये कन्वर्जन देख के आना, ये हम लोग सीखेंगे. ये कन्वर्जन फैक्टर, ये डायमेंशन एनालिसिस आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर रखा है, सर ने आपको सिखाया था डायमेंशन एनालिसिस, राइट? केमिस्ट्री वाले सर ने डायमेंशनल एनालिसिस आपको करवाया है, थोड़ा सा आपको पता भी नहीं चलाऊंगा सर, आप करे थे ना? हाँ, वैसा ही टाइप का कुछ तो भी है, वैसा ही टाइप कुछ तो भी है, वो देखेंगे, पर अपन इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे उसका. ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अपने को ऑलरेडी कन्वर्जन करते आता है, अपने को याद है बहुत सारी चीजें, राइट? तो हम लोग कल देखेंगे, और फिर कल हम सीखेंगे ये अपना खुद का फॉर्मूला कैसे बनाए. ठीक है, तो आप खुद का फॉर्मूला बना सकेंगे अगर कल आपने लेक्चर किया, राइट? तो अभी हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल. बाय. टीम वर्क अच्छा करते, टीम वर्क करते रहो, अच्छा टीम वर्क करो तुम लोग. बाय बाय.